आदाब नमस्कार, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। देश में लोकसभा चुनाव 2024 का महासमर शुरू हो गया है। इसे लेकर राजनीतिक पार्टी एक्टिव हो गई हैं। कुछ दल जीत के लिए चुनाव लड़ेंगे तो कुछ दल सिर्फ वोट काटने के लिए चुनाव मैदान में हैं। वहीं वोट कटवा पार्टी भी अपने उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारेगी। आइए जानते हैं कि किस राज्यों में कौन सी पार्टी वोट कटवा पार्टी कहलाती है। उत्तर प्रदेश में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में मुकाबला देखने को मिलेगा। वहीं मायावती की बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी तो असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने कुछ सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। ऐसे में ये दोनों पार्टियों को कड़वा पार्टी की भूमिका में नजर आएंगे। ओवैसी का मूल वोट बैंक मुस्लिम है, जिस पर कांग्रेस और सपा की नजर है। मायावती का मूल वोट बैंक दलित और मुस्लिम है, जिस पर एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधनों की निगाहें टिकी हुई है। वहीं बिहार में एनडीए और इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल के बीच में सीट शेयरिंग का फार्मूला तय नहीं हुआ है। अब तक की जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार पशुपति पारस एनडीए से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि भाजपा लोकसभा की एक भी सीट देने के लिए तैयार नहीं है। अगर पशुपति पारस राजनीतिक विकल्प कर आगे बढ़े तो उनकी पार्टी रालोजपा वोट काट सकती है। इससे एनडीए के घटक दल लोजपा को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। वहीं पश्चिमी बंगाल में भाजपा और टीएमसी के बीच सीधी टक्कर है। ममता बनर्जी ने सभी सीटों पर उम्मीदवारों को उतार दिया है। कांग्रेस और लेफ्ट के बीच सीट शेयरिंग पर आम सहमति नहीं बन पाई है। लेफ्ट ने भी अपने 16 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक अपनी लिस्ट जारी नहीं की है। ऐसे में भाजपा टीएमसी के वोटरों को लेफ्ट और कांग्रेस काटने का काम करेगी। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं हो पाया है। दोनों पार्टियों की राहें अलग अलग हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है। यहां त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। आप और कांग्रेस एक दूसरे के वोट काटेंगी, जिसका फायदा एनडीए को मिल सकता है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव 2024 के पहले हरियाणा में बड़ा फेरबदल देखने को मिला। भाजपा और जेजेपी के बीच में गठबंधन टूट गया। इनेलो और जेजेपी के बीच में गठबंधन हो सकता है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। वहीं राज्य में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। ऐसे में इनेलो और जेजेपी को वोट कड़वा पार्टी कह सकते हैं। अगर दक्षिणी भारत की बात करें तो कर्नाटक में भाजपा को स्थिति मजबूत है। इस बार राज्य में कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में भाजपा ने जेडीएस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने का फैसला किया है। वहीं तेलंगाना की 13 में से 4 सीटों पर भाजपा का कब्जा है। यहां भी कांग्रेस की सरकार है, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस, बीआरएस और भाजपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। अगर केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहां भाजपा की स्थिति अच्छी नहीं है। यहां 3 राज्यों में भाजपा शून्य पर है। केरल और तमिलनाडु में भाजपा, आंध्र प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा वोट कटवा पार्टी साबित हो सकती है। बात अगर महाराष्ट्र में करें तो महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के तहत महाविकास आघाड़ी की सहयोगी पार्टी कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार गुट, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट एक साथ मिलकर चुनाव लोकसभा का लड़ेंगे, जबकि एनडीए गठबंधन के तहत भाजपा, एनसीपी, अजित पवार गुट, शिवसेना, शिंदे गुट के बीच सीटों का बंटवारा होगा। भाजपा ने 20 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। आज यहां राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को वोट कटवा पार्टी कह सकते हैं, जिससे शिवसेना के दोनों गुटों को काफी नुकसान हो सकता है। मध्य प्रदेश, हिमाचल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात सहित कई राज्यों में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में सीधा मुकाबला देखने को भी मिलेगा।